फ्रेंड्स, बहुत लोगों को चावल बहुत पसंद है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, बहुत लोग रोटी खाना नहीं पसंद करते, चावल ही खाना पड़ते हैं। लेकिन उन्हें अगर डायबिटीज़ हो जाए तो वो कैसे खाएंगे चावल, बताइए। इतना अच्छा चावल, जैसे कि मैं खुद डायबिटिक पेशेंट हूँ, लेकिन मुझे चावल बहुत पसंद है। हम चावल को पहले धो लेंगे, ये हमने धुल लिए हैं चावल। इसके बाद हम इसमें, ये देख रहे होंगे आप, हमने धुले हैं। फिर इसमें हम पानी डालेंगे और ये हम एक पतीले में लेंगे पूरा भगोने में, और पानी इतना करेंगे कि पूरा ऊपर तक हो जाए पानी, जिसमें हम पकने के बाद निकाल देंगे जिस पानी को। ये आप देख रहे हैं, हमने फुल भर दिया है पानी को। अब ये चावल पकेंगे, ये देखिए ये चावल पक रहे हैं। और इसमें क्या है, जितना स्टार्च है, जिससे कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा होता है चावल का, ये सारा स्टार्च पानी के साथ निकल जाएगा धीरे धीरे। हम इसे कुकर में इसीलिए नहीं पकाएंगे क्योंकि कुकर में पकाने से ये स्टार्च निकल नहीं पाता, उसी का उसी में रह जाएगा पानी में। अब आप देख रहे हैं कि ये चावल हमारे पकने ही वाले हैं। पानी पिएगी। अब आप ये देख रहे हैं कि चावल पक रहे हैं। अब ये देखिए, हमारा पानी निकालने के बाद चावल पूरा तैयार है। इसे आप आराम से खा सकते हैं डायबिटीज़ होने के बावजूद। ये देखिए, और आप डाइटिंग में भी खा सकते हैं। ये चावल थोड़ी देर हम ढके ही रहेंगे तो ये पूरे के पूरे एकदम पक जाएंगे अच्छी तरीके से, भाप से।